सो गाइज, किरण बुक से आपका पोर्शन चल रहा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसका आज आप पढ़ेंगे डे 5। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मैं अभी तक आपको करा चुका था 90 क्वेश्चन तक। आज हम लोग बात करेंगे 91 से आगे की, जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक। ओके गाइज, 91 क्वेश्चन से आगे की बात को हम लोग आज बढ़ाएंगे। आपको मेरे साथ यहाँ सीखना होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइज, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल पे। तो कोशिश कीजिएगा मेरे साथ सॉल्व करने की। आलस का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही मिलेगी सफलता। और गाइज, आप बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इतना सा काम आपको करना है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर सभी बच्चे अपने एक एक दो दो फ्रेंड को शेयर करेंगे सो हौसला बढ़ेगा हमारा भी, और आपको भी कुछ अच्छा और देखने को मिलेगा गाइस। और कृपा करके बस इतना सा और काम कीजिएगा मेरे लिए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं गाइस। वीडियो को कम से कम डाउनलोड करके मत देखा करें। अगर आपको डाउनलोड करके देखनी भी है गाइस, तो उसको आप बाद में देखा करें। जब वीडियो लाइव आती है उस टाइम पर लाइव चला के आप छोड़ दिया करें, इतना आप कर दिया करें मेरे लिए बस। गाइस, यहाँ पे चलते हैं हम लोग आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 91 से। कह रहा है कि एज सुन एज विंटर सेट्स इन, द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इनक्रीजिंग सडनली। सो गाइस, यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ जो है गाइस, ये आपका लगता है डेफिनेट चीज़ों के लिए, डेफिनेट संख्या के लिए, डेफिनेट संख्या के लिए। सो गाइस, यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस होना चाहिए था द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट, नहीं स्टार्ट्स, तब आपका सेंटेंस होता करेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में आपका आंसर फिलहाल की स्थिति को देखते हुए हो जाएगा द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन स्टार्ट इंक्रीजिंग सडनली। सो गाइस, यहाँ पे द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, या फिर द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेज भी यहाँ पे आपका काफ़ी है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फिलहाल को देखते हुए सी, क्योंकि यहाँ पे आर तो होने से रहा, ये प्लूरल हो जाएगी। जो दे रखा है स्टार्ट, ये भी प्लूरल वर्ब है। ऑप्शन में भी आपको स्टार्ट प्लूरल वर्ब दी गई है, आपको सिर्फ सिंगुलर वर्ब यही दी गई है जो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चाहिए थे गाइस। क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, और अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आपकी आया करती है। ओके गाइस, तो सेंटेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट थर्ड पार्ट से। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस को लेकर के, वो सुंदर सेंटेंस है। कह रहा है कि इज रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी। तो गाइस, यहाँ आपको मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, जो हमारा वर्ड है प्रेफर, इसके साथ हमेशा आपका टू चला करता है, देन कभी इसके साथ में नहीं आया करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, इसके अलावा यहाँ पे कोई और ऑप्शन फिट आपका नहीं है गाइस। चलते हैं 93 क्वेश्चंस पर। कह रहा है कि हिज स्पीच, सुनना ध्यान से, हिज स्पीच वॉज मार्क्ड विद आपका होना चाहिए था। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पर आपका होगा बाय की जगह विद। अब वो कितनों में है गाइस, पहले में है मार्क विद, दूसरे में भी है। हिज स्पीच वॉज मार्क्ड विद डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉर्न फॉर हिज अपोनेंट्स पोजिशन सो गाइस, यहाँ पे पहले वाले में इस बीइंग की वजह से बाहर हुआ है। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 94 और 95 सेंटेंस देखिएगा एक साथ, क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंगू, सेंटेंस नंबर 94, चंगू इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन चंचू। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब भी सेंटेंस में आपका पॉजिटिव और कंपैरेटिव दो चीज़ें एक साथ चलेंगी, तो दोनों ही रूल आपके, पहली बात तो ये कि पूरे होने चाहिए। उसने कहा चंगू इज एज टॉल एज, आपका पूरा होना चाहिए था, उसके बाद में आपका नया सेंटेंस शुरू होगा एज इफ से, एज टॉल एज इफ नॉट से। तो यहाँ पे एज टॉल एज आपका होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये आपका दिया गया है सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी, एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन, जो कि थर्ड पार्ट में ही है। इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। 95 कह रहा है कि द
bigger dilemma facing these mega stores is now to retain customers after the novelty wear thin. So guys, यहाँ पे sentence में बताना है आपको क्या idiom रहेगा proper. So guys, यहाँ पे एक idiom आपको दिया गया है, यहाँ पे wear thin, जो कि proper idiom है आपका wear thin. तो इस sentence में आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक दिया गया है एसएससी सेक्शन टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में, जो कि 12/11/2006 को आपका आया हुआ है. कह रहा है कि शी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट. गाइज, यहाँ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो यह सेंटेंस में सबसे लास्ट में देखिए आप, यहाँ एक बच्चा बहुत बड़ी गलती कर सकता है. वो गलती कर सकता है बच्चा सिंसिया फोर को देख करके. लेकिन गाइज, इसको बाद में देखना, सबसे लास्ट में आप पहले लास्ट वाला प्रश्न देखिए. लास्ट नाइट क्या है गाइज? लास्ट नाइट, जब भी सेंटेंस में आपका कहीं भी लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए, आप लोग सेंटेंस को सिंपल पास्ट बनाया करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ में. सो गाइज, यहाँ पे सेंटेंस में हैज स्लेप्ट नहीं, ओनली स्लेप्ट होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट. आगे कह रहा है कि आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल्सो हैज. मैंने फिल्म देखी है और उसने भी. सो गाइज, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा सी हैज ऑल्सो की जगह सी हैज टू, क्योंकि गाइज यहाँ पे एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी जो कि आपका है सेंटेंस नंबर टू में. तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा प्रॉपर तरह से करेक्ट. ही इज़ इन वांट ऑफ अ रिलायबल सर्वेंट. सो गाइज, यहाँ पे ही इज़ इन वांट की जगह आपको लगाना होगा ही नीड्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ में नीड्स आपका प्रॉपर रहेगा तो सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट. 99 कह रहा है कि ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग. उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो बहुत यंग था. तो गाइज, सेंटेंस में नेगेटिव भाव आ रहा है क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया है, तो टू यंग आपका यहाँ पे ठीक है. सेंटेंस में हो जाएगी आपकी नो इम्प्रूवमेंट. सेंटेंस नंबर 100 क्या कह रहा है? आई होप दैट आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास. आई होप आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास. ये सेंटेंस आपका अपने आप में ही काफ़ी करेक्ट था. अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को ठीक करना चाहें तो आई होप दैट की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा आई होप, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट. आ गया गाइस 101 से 110 तक. एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 2006 में ये आप सेट पेपर है आपका. क्या कह रहा है गाइस, उसको देखेगा 101 सेंटेंस में. वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक वॉज सीन. रोड को क्रॉस करते हुए देखा गया एक स्नैक. सो गाइज, सेंटेंस आपका चल रहा है एक्टिव में. उसने कहा वाइल क्रॉसिंग द रोड, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आपका चल रहा है एक्टिव में, और उसने नेक्स्ट पार्ट चला दिया आपका पैसिव में, जो कि गाइज रोग है. कह रहा है कि वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक वॉज सीन. तो यहाँ पे गाइज, अ स्नेक वॉज सीन की जगह आपका होगा ही सॉ अ स्नेक. सबसे पहली बात तो ये कि आप सेंटेंस आपका एक्टिव में चलेगा. दूसरा कारण ये भी था, अगर आप इससे सेंटेंस बनाएंगे अ स्नेक वॉज सीन, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों काम को करने वाला अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा. फिर हमें इससे पहले एक वर्ब लगाना, सब्जेक्ट लगाना होगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन हमें अ स्नेक वॉज सीन को लेकर के दिए गए हैं. तो हमें अ स्नेक वॉज सीन को ऐसे सेट करना होगा कि लगे कि ये काम पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कर रहा है उसी ने किया है. तो ही सॉ अ स्नेक ऐसा होना चाहिए था तो सेंटेंस आपका होता करेक्ट गाइस यहाँ पे, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट. सेंटेंस नंबर 102 देखिएगा गाइस क्या कह रहा है. कह रहा है कि इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास. ये सेंटेंस आपका कंडीशनल है. आपको याद होगा कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका होगा वुड हैव, जबकि नेक्स्ट पार्ट पर तो वुड हैव है, लेकिन यहाँ पर हैव आपको जो दिया गया है ये रॉन्ग है. इफ़ यू हैड स्टडीड आपका होना चाहिए था हैव की जगह, तो सेंटेंस रहता करेक्ट.
तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा इसका आंसर सेकंड करेक्ट। 103 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द न्यू सुल्तान हैज़ बीन एबल टू बियर अप ऑल अपोजिशन। सो गाइस यहाँ पे बियर अप दिया गया है, इसका मतलब होता है टू रिमेन एज चेयरफुल एज पॉसिबल ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम, यानी कि बिल्कुल मुश्किल समय में भी शांत बने रहना, खुश रहना। सो गाइस यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर किसी और चीज़ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपकी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आपको यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे अपनी बात को पूरा कम्प्लीटली, इसका आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। 104 देखिएगा क्या कह रहा है सेंटेंस में, कह रहा है कि द वॉचमैन वॉज एन अलर्ट ऑल नाइट, द वॉचमैन वॉज एन अलर्ट। तो गाइस आपका एक ईडियम है आपका ऑन द अलर्ट, यानी कि सावधान रहना, लोगों को खतरे के प्रति जागरूक करना। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ओके गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। उसके बाद में गाइस क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 105, सॉरी गाइस माफ़ी चाहूँगा, कह रहा है कि राइस इज टू द जैपनीज वाइल पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियंस। आपको बताना है किस सेंटेंस में कौन से पार्ट में रहेगी गलती। गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाइल की, सो वाइल यहाँ पे एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन कंजक्शन की तरह काम कर रहा होता है वाइल तब जब बात हो समय की। गाइस यहाँ पे बात समय की नहीं हो रही है, यहाँ पे वाइल की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा व्हाट का। यस 105 में आप व्हाट भी लगा सकते हैं कि आपको व्हाट ही लगाना होगा तो सेंटेंस होगा करेक्ट। 106 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडंट कम टू सी मी। सो गाइस इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडंट कम टू सी मी, यहाँ पे अच्छा होता कि इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू केम टू सी मी। बस आपको नेगेटिव बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप केम टू सी मी लगाएं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 107 से देखिएगा बात को, कह रहा है कि ही कम्स हेयर ऑफन डोंट ही। सो गाइस ये आपका है क्वेश्चन टैग सेंटेंस, हमने आपको बताया कि जैसी होगी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही बनेगा क्वेश्चन टैग, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है तो ये बनेगा आपका डजंट से। किससे बनेगा? डजंट से। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट से, यहाँ पे एस या एस दिख रहा है तो बनना था डजंट से नॉट डोंट से, तो डजंट ही इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड, ये गाइस पूरी तरह से रॉन्ग है। सेंटेंस की शुरुआत हुई आपके नॉर से जो कि आपका एक नेगेटिव वर्ड है, सो नॉर डिड आई आपका होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता, नॉर डिड आई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 109 कह रहा है द विक्टोरियन एरा नोटेड द एंड ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन्स। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में जो उसने दिया आपको नोटेड, इसके जगह आपको लगाना होगा द विक्टोरियन एरा मार्क्ड द, छाप छोड़ना, तो गाइस यहाँ पे नोटेड की जगह आपको होगा मार्क्ड, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा इसके एरा, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द एनिमी, सेंटेंस देखिएगा, द एनिमी बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लेड फ्रॉम द फील्ड। सो गाइस यहाँ पे उसने डायरेक्ट बीटन थर्ड फॉर्म लगा दी, और जबकि मैंने आपको बताया गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये दो ही ऐसी फॉर्म है आपकी जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब चल ही नहीं सकती, इनको बोलते हैं गाइस हैंडीकैप्ड रूल्स। तो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब चल ही नहीं सकती, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है, या तो बी की फैमिली या हैव की फैमिली, या तो बी की फैमिली या हैव की फैमिली। यहाँ पर हैव की फैमिली आप लगा सकते हैं हैविंग बिटन एट एवरी पॉइंट, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट पूरी तरह से पहला ही सही। यस गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 111 से क्या कह रहा है, 111 कह रहा है कि सी टीच अस ग्रामर इजंट इट। ये फिर से वही हो गया क्वेश्चन टैग जो अभी आपका आया था, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपको दिया गया है तो आप यहाँ पे लगाने वाले हैं डजंट। क्या लगाएंगे गाइस? डजंट। ही टीच अस ग्रामर डजंट शी, सेंटेंस तब बनेगा करेक्ट, यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड आंसर। सेंटेंस नंबर 112 कह रहा है कि द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस
इज गेनिंग मोमेंट एवरी डे. सो क्या यहाँ पे द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पे स्ट्रगल नहीं, अच्छा हुआ आप लगा दें मोमेंटम थर्ड पार्ट में, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करैक्ट. सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड. तो क्या यहाँ पे सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन. तो क्या यहाँ पे अफेक्शन नहीं, अफेक्शन आपका हो जाएगा सिर्फ एक किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति भावुकता वाली लगाव, जबकि यहाँ पे लगाना चाह रहा है वो एक बिहेवियर के प्रति. तो यहाँ पे सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्टेशंस. तो क्या यहाँ पे वर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे AFFECTATION, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट. आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 114 पर. क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू फॉर हिज प्रमोशन. मैंने राजू को कॉम्प्लीमेंट किया उसके प्रमोशन के लिए. सो गाइस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है आपका एक वर्ब है जिसके साथ में आपका ओन कन्फर्म चलेगा. यहाँ पे फोर के जगह आपको लगाना होगा ओन, तो इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट. इसके साथ हमेशा ओन चलता है फिक्स, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. द फूड टेस्ट डिलीशियसली. सो गैस यहाँ पे फूड का जो टेस्ट था वो डिलीशियसली था. गैस डिलीशियसली आपका एक एडवर्ब है, क्या आपका एक एडवर्ब है, जबकि आपको यहाँ पे जरूरत है एक एडजेक्टिव की. तो यहाँ पे आप डिलीशियस करेंगे, यानी कि सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट है आपका 116. कह रहा है कि आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेस ऑफ शेक्सपियर एक्टेड. गैस यहाँ पे मच का इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, जबकि मैंने का इस्तेमाल किया जाता है काउंटेबल चीज़ों के लिए. तो क्या यहाँ पे आपका मैंने ही होना चाहिए था मच की जगह, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्ले यानी कि जो नाटक हैं वो काउंटेबल हैं, गिने गए हैं, आपको भी पता होगा मुझे भी पता है. तो इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा मैनी से शुरू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट. 117 देखिएगा इसका क्या कह रहा है. आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970. गैस मैंने आपको बताया था जब आपके सेंटेंस में दिया गया हो इन प्लस पास्ट टाइम, इनके साथ में दो तरह से टाइम दिया जाता है, इनके साथ में पास्ट टाइम और इनके साथ में फ्यूचर टाइम. अगर इनके साथ में पास्ट टाइम है तो पास्ट इनडेफिनेट, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर इनडेफिनेट सेंटेंस बनेगा. सो आई हैव बॉट दिस हाउस नहीं, आई बॉट दिस हाउस होना चाहिए था ओनली, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट. आगे बढ़िएगा इसका क्या कह रहा है 118 पर. कह रहा है कि द चाइल्ड डाइड फ्रॉम जॉन्डिस. सो गाइस जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरे, मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो ऑफ, और जब बिना बीमारी के मरे तो फ्रॉम. यहाँ पे जॉन्डिस आपकी एक बीमारी है जिसका मतलब होता है पीलिया. तो गाइस यहाँ पे आपका फ्रॉम की जगह हो जाएगा ऑफ करेक्ट. आगे गाइस 119 कह रहा है कि आई विल फोन यू आफ्टर आई शैल अराइव. गाइस मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले से ही कि एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब कभी नहीं आ सकती. अगर एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रही है तो इसका मतलब गलती मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है, चाहे तो विल वाले पार्ट में या शैल वाले पार्ट में है. साथ ही साथ मैंने आपको वो 11 वर्ड भी बताए हैं, अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो इन 11 वर्ड्स के बाद में कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी. ये 11 वर्ड मैं आपको कम से कम 1100 बार बता चुका हूँ, आपको रट जाने चाहिए ये 11 वर्ड. इफ़ अनलेस अनटिल इन केस प्रोवाइडेड वेदर बिफोर आफ्टर एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज, ये सभी वर्ड हैं आपके 11 के 11. तो यहाँ पे गाइस आपका होना चाहिए था आफ्टर के बाद वाले पार्ट में गलती, शैल की जगह आपको शैल हटाने होगा, फर्स्ट फॉर्म लगाइए सिर्फ आफ्टर आई अराइव, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट. अगला गाइस सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया है, इट इज़ टाइम वाला, इट इज़ हाई टाइम. इसके बाद वाला जो पोर्शन है गाइस वो आपका बनता है सेकंड फॉर्म में, किसे बनता है सेकंड फॉर्म में. इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम यू केम. बस सो क्या यहाँ पर कम की जगह आपका हो जाएगा केम, यानी कि 121 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट. ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको आज कराए हैं 91 to 120 क्वेश्चन, देखे रहोगे आप लोग. मैंने आपकी थोड़ी लिमिट बढ़ा दी है, पहले मैं 20 क्वेश्चन आपको करा रहा था, अभी मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराने शुरू कर दिए हैं गाइज. यस गाइज, तो यहाँ पे 91 से 120 तक मैंने आपको कराए हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन समझ में आया होगा. बस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहेगा गाइज, बाकी मेहनत मैं करता रहूँगा आपके लिए.
तब तक के लिए फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।